बिलासपुर में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला इकाई के तत्वाधान में शुक्रवार को चंगर सेक्टर में स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला प्रधान ने की। तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरह का यह प्रोटेस्ट था। आपको बता दें कि यहां पर अपनी बातें रखी गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन में जिला भर से आए सैकड़ों पेंशनर्स ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ पुलिस विभाग, विद्युत बोर्ड और पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते नजर आए। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये व्यवस्था है। हम प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक शौक से इकट्ठे नहीं हुए, सरकार ने हमें मजबूर किया है। हमारी एसोसिएशन लंबे समय से सरकार से अनुरोध करती रही है छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए। उसका एरियर्स 5-6 वर्ष हो गए, हमारे पेंशनर्स को नहीं मिला। विशेषकर हमारे जो 1-1.16 के बाद के जो पेंशन रिटायर हुए, उनका तो मुझको बहुत बुरा हाल है और फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारी 12% डी किस्तें वो पेंडिंग है। लेकिन हुआ ऐसा कि हमारी जो एसोसिएशन है ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। जो भी सरकार आती है वो हमारी होती है और सरकार का हम पूर्ण सहयोग करते हैं। जिसका एग्जाम्पल ये है कि पिछली बार जब आपदा आई प्रदेश में, तो हमने कार दी अपने पेंशनर को, हमने 1 दिन की पेंशन सरकार के खाते में दी। आज हमारे जिला की तरफ से अपने राज्य स्तरीय आह्वान के फलस्वरूप यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में हमारे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी एवं विद्युत बोर्ड से और हिमाचल पथ परिवहन निगम से तथा पुलिस विभाग के कर्मचारियों की जो संगठन है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में सबसे प्रथम तो बात यह है कि हमने सरकार से 2 साल से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी JCC का गठन किया जाए। उस JCC के बैठक के द्वारा हम अपनी सभी डिमांड्स को और जो देय हमारे आर्थिक लाभ है उनके प्रति हम सरकार से बातचीत करके उसका हल निकाल सकते थे।